पहले हमको ये पता होना चाहिए किडनी जो होती है ये पाई कहाँ जाती है, क्योंकि एज अ मेडिकल स्टूडेंट हमको ये पता हो कि हाँ जनाब हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है तो हमें ये पता कम से कम हो कि आपकी किडनी की लोकेशन क्या है। तो आप जब देखते हो कि जो किडनी है ये एब्डोमिनल कैविटी में है, किसमें है, एब्डोमिनल कैविटी में होती है। और दूसरी ये बात है कि आप ये रिब्स है ना, आगे से आप ये रिब्स देखते हो तो जो T11 और T12 वो जो रिब्स होती है ना उसने आगे से कवर किया होता है। कौन सी रिब्स आगे से कवर की होती है, T11 और T12। और पीछे से किसी ने कवर, आपके पीछे कौन सा होता है, वर्टिब्रा, पीछे क्या चल रहा होता है, वर्टिब्रा। तो ये इस T12 से लेकर L3 जो वर्टिब्रा होता है वहां तक जा रहा होता है। पीछे से कहां तक होता है, T12 से L3 तक। और आगे से जो रिब्स होती हैं वो कौन सी होती है, T11 टू T12। ये हो गया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये किडनी जो है इसकी राइट साइड किडनी है इसके ऊपर क्या होता है और लेफ्ट साइड जो किडनी है उसके ऊपर क्या होता है। जो राइट साइड किडनी होती है ये आपकी, इसके ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर लीवर होता है, क्या होता है, लीवर, और लीवर के बिल्कुल नीचे होती है। और इसी वजह से जो राइट साइड की किडनी होती है वो आपकी थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट साइड की किडनी जो होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है। और लेफ्ट साइड की किडनी के ऊपर क्या होगा, स्प्लीन होगा। और हर किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको आप कहते हो एड्रिनल ग्लैंड। समझ आ गई है? यानी कि जल्दी जल्दी में हमने क्या डिस्कस किया कि किडनी की लोकेशन, किडनी की लोकेशन में हमने डिस्कस किया कि आगे से जब जब हम देखते हैं T11 T12 जो रिब्स होती हैं वो कवर करती हैं, पीछे से जो वर्टिब्रा होता है T12 L3 होता है। उसके बाद राइट साइड पे जो होता है लीवर होता है, लेफ्ट साइड पे क्या होता है, उसके स्प्लीन होता है। और इसी वजह से राइट साइड जो लीवर का वजन ज्यादा होगा तो जो किडनी राइट साइड की होगी वो नीचे की तरफ होगी, लेफ्ट साइड की किडनी जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी। तो अब हम देखते हैं कि मेन जो स्ट्रक्चर है वो किडनी है क्या। तो ये आपका है किडनी डायग्राम, आप लोगों को पता है कि मेरी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो उसके बाद जो आपकी किडनी होती है ये बेसिकली अगर हम आउटर साइड से देखते हैं तो ये तीन लेयर्स पर मुश्तमल होती है। कितनी लेयर्स पर मुश्तमल होती है, तीन लेयर्स पर। सबसे जो पहली लेयर्स होती है उसको कहते हैं रेनल फाशिया, क्या कहते हैं उसको, रेनल फाशिया। और वो होती है कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक लेयर बनाए तो ये कौन सी होगी, रेनल फाशिया। और उसके अंदर वाली जो लेयर होगी उसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू की, इसकी बनी होती है एडिपोज टिश्यू की। और एडिपोज टिश्यू में आपके रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर को कहते हैं नोसी रिसेप्टर, क्या कहा जाता है, नोसी रिसेप्टर। और ये नोसी रिसेप्टर का काम क्या होता है, पेन सेंसेशन। अब देखें अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है वो कहता है यार किडनी की पेन मुझे बहुत ज्यादा है, उसकी रीजन क्या होती है, आपके नोसी रिसेप्टर जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। कौन रिसेप्टर होते हैं, नोसी रिसेप्टर। और नोसी रिसेप्टर कहां होते हैं, यानी कि दूसरी जो लेयर होती है जिसको एडिपोज टिश्यू की बनी होती है वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरी। और थर्ड लेयर जो होती है उसको कहते हैं रेनल कैप्सूल। जो रेनल कैप्सूल होती है ये आपको किसी ट्रॉमे से बचाती है, यानी कि आप गिरते हो अगर ये लड़ाई वगैरह होती है, पंच वगैरह लगता है तो आपकी किडनी को जो सेफ्टी कर रही होती है। रेनल फाशिया भी करती है लेकिन रेनल कैप्सूल जो होती है ये भी कर रही होती है। अगर पूछे तो ये क्या, आपकी प्रोटेक्शन दे रही होती है। यानी कि अगर हमसे कोई बंदा पूछता है कि आपकी जो किडनी है वो कितनी लेयर्स पर मुश्तमल होती है तो हम क्या बताएंगे, 3 लेयर्स पर मुश्तमल होती है। जो सबसे आउटर लेयर होगी उसको क्या कहते हैं, रेनल फाशिया, जो कि आपके कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमल होती है। उसके बाद दूसरी जो लेयर होती है उसको एडिपोज कहते हैं। थर्ड लेयर जो होगी उसको क्या कहेंगे हम, रेनल कैप्सूल। और उसके बाद एक हम जब सरफेस एरिया देखते हैं तो तब किडनी जो होती है वो दो लेयर में डिवाइड की जाती है जिसको कोर्टेक्स और मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। अब आप देखें ये आउटर वाली जो लेयर होती है इसको सारी को कहते हैं कोर्टेक्स है। और यहाँ से ना एक इस तरह स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं पायरामिड। ये स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, पायरामिड। और एक किडनी में 10 से 18 तक पायरामिड हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 10 से 18 तक पायरामिड हो सकते हैं। और ये पायरामिड आपके मेडुला के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, मेडुला के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, मेडुला के अंदर। देखें ये आपकी किडनी, ये आउटर सरफेस है जिसको कोर्टेक्स कह रहे हैं, अंदर वाली को क्या कहेंगे, मेडुला। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहते हैं आप, ये निप्पल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये आपका होता है बेस, क्या होती है, ये होती है बेस। ये दोनों चीजें मिलकर आपका क्या बनाता है, पैरामिड। क्या बनाता है, पैरामिड। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये लोब एक तरह का किडनी का क्या होता है, लोब है। तो आपके जो किडनी के अंदर जो पायरामिड होते हैं या लोब जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो कितने, 10 टू 18। और ये वाला जो निप्पल लाइक स्ट्रक्चर इसको अपेक्स कहते हैं, आप क्या कहते हैं, अपेक्स। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं बेस, ठीक हो गया। ये आपकी होगी बेस।
तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जनाब ना इस तरह से कोर्टेक्स से कुछ एक्सटेंशन होती हैं इस तरह जो कि पायरामिड को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रही होती हैं, जो कि पायरामिड को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रही होती हैं। अब इन एक्सटेंशन का नाम क्या होता है, इनका नाम होता है रेनल कॉलम। क्या होता है? रेनल कॉलम इनका नाम होता है, यानी कि वो एक्सटेंशन जो कि दो पायरामिड्स के दरमियान में होती हैं और दोनों पायरामिड्स को एक दूसरे से सेपरेट करती हैं, वो एक्सटेंशन को नाम दिया जाता है रेनल कॉलम का। ये एक्सटेंशन होती हैं जो फाइबर्स निकले होते हैं जिसकी वजह से पायरामिड्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे, तो इस वजह से इसको कहते हैं रेनल कॉलम। और उसके बाद ये देखें, ये आपका जो ये वाला हिस्सा क्या है, कॉर्टेक्स, ये वाला, ये अंदर वाला हिस्सा, यहाँ से क्या होता है आपका मेडुला शुरू हो जाता है। और ये कॉर्टेक्स के अंदर आपकी नेफ्रॉन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी कि अगर हमसे कोई बंदा पूछता है कि आपकी नेफ्रॉन कहाँ पाई जाती है, हम क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स के अंदर। कॉर्टेक्स के अंदर आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी कि ये देखें, ये फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये आपका ग्लोमेरुलसर, ये इस तरह एफरेंट आर्ट्रियल, जब हम ब्लड सप्लाई करेंगे ये आपका ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई। उसके बाद जनाब ये आपकी ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर आता है, लेकिन इतना सिर्फ इतना जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉर्टेक्स में पाया जाता है, लेकिन आगे की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आ जाता है, उसके बाद लूपोफेनले आता है, उसके बाद यानी कि आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड आ जाती है, और दूसरी जो ट्यूब्यूल्स होगी वो किधर आएंगी? मेडुला की तरफ आएंगी, क्योंकि अगर मेडुला की तरफ नहीं आएगी तो वो आपके इधर आके यूरिन कैसे आएगा अगर कॉर्टेक्स तक ही रहेगी? समझ आई कि नहीं? यार देखें, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह आपका क्या है, ये आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना मोस्टली ये कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है। बाकी ये वाला जो आपका जिसमें यूरिन या जो फ्लूइड होता है वो यानी कि दौड़ रहा है एंड पर जो आपका यहाँ यूरिन बनता है, तो ये जो होता है ये मेडुला की तरफ होता है, क्योंकि इसने यहाँ पर जो होता है यूरेटर उसमें इंटर होना होता है। समझ आ गई? तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटे कैलिक्स होते हैं जिसको क्या कहते हैं, माइनर कैलिक्स। क्या कहते हैं? माइनर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स मिलकर क्या बनाते हैं? वेरी गुड। अब ये दोनों मिलकर, ये सब मिलकर यहाँ पर क्या बनाते हैं? मेजर कैलिक्स। उसके बाद मेजर कैलिक्स और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था उसको तो रेनल कैलिक्स, क्या कहते हैं? रेनल कैलिक्स। और ये जो जहाँ जब किडनी जो एंड ये शुरू वाला पॉइंट होता है इसको कहते हैं रेनल हाइलम। क्या कहते हैं? रेनल हाइलम। इसको रेनल हाइलम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस हिस्से में आपकी ब्लड वेसल्स की एंट्री हो रही होती है और ब्लड वेसल बाहर निकल रही होती है, लिम्फेटिक सप्लाई भी जा रही होती है, नर्व सप्लाई भी जा रही होती है, ये सारा जो हिस्सा होता है ये आपका क्या होता है? ये हाइलम कहलाता है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो क्या था, देखें, यानी कि सबसे पहले आपका कॉर्टेक्स, उसके बाद आपका सॉरी तीन लेयर्स होती है किडनी की, आउटर लेयर्स जो होगी वो रेनल फाशिया होगी, एडिपोज दूसरी होगी, तीसरी रेनल कैप्सूल, ठीक हो गया। उसके बाद ये जनाब एक किडनी के अंदर 10-18 जो होते हैं वो पायरामिड्स होते हैं, पायरामिड्स जो होते हैं वह मेडुला की तरफ मेडुला के अंदर होते हैं, और कुछ एक्सटेंशन जो कि कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ पायरामिड्स को सेपरेट करने के लिए होती है, ये देखा, ये एक्सटेंशन के मेडुला को सेपरेट कर रही है, इनको कहते हैं रेनल कॉलम। अब ये रेनल कॉलम होगी, और ये जो होता है पायरामिड, ये दो चीजों पर मोस्टली मुस्तमर होता है, एक जो निप्पल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं एपेक्स, और दूसरा क्या होता है वो बेस, और ये दोनों मिलकर आपका पायरामिड यानी कि ये लोब बना रहे होते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद जनाब ये जो होती हैं ये माइनर कैलिक्स, उसके बाद मेजर कैलिक्स, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर उसको कहते हैं रेनल पैलेस। रेनल पैलेस के बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहते हैं? रेनल हाइलम। हाइलम का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर आपकी आर्टरी की एंट्री हो रही होती है, लिम्फेटिक सप्लाई की एंट्री हो रही होती है, नर्व की एंट्री हो रही होती है, और वेन बाहर निकल रही होती है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है जनाब। अभी हमने ये देख लिया, इसके बाद अब हम देखते हैं कि ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी, यानी किडनी की जो ब्लड सप्लाई है वो कैसे होती है, समझ आ रही है? देखिए ब्लड सप्लाई में हम देखेंगे कि किडनी जो है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आपके जिस्म की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? एओर्टा। वेरी गुड। एओर्टा कहाँ से निकलती है? हार्ट के किस पार्ट से? राइट हार्ट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अभी हम दोबारा जनाब ये देखते हैं, ये आपका जनाब किडनी आ गया, दोबारा इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद किडनी के बाद ये देखें, हमने क्या ड्रा किए थे, ये क्या थे,
पायरामिड वेरी गुड, ये पायरामिड आ जाते हैं। अब देखें ये फॉर एग्जांपल एक तरफ आपका हार्ट चल रहा है, ये हार्ट है, चार चैम्बर इसके होते हैं, ये लेफ्ट एट्रियम होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड ये ओर्टा निकलता है सबसे पहले, जैसे ये ओर्टा निकलेगा ना, अगर हम इसको देखते हैं, ये ओर्टा जो होगा ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा इसको क्या कहते हैं असेंडिंग ओर्टा, असेंडिंग होता है अपवर्ड, ठीक हो गया। ये ओर्टा जनाब किस तरह ऊपर की तरफ गया इसको क्या कहते हैं असेंडिंग ओर्टा, उसके बाद ये इस तरह की एक आर्च बनाता है, यानी कि आर्च इसको कहते हैं एओर्टिक आर्च, समझ रहे, एओर्टिक आर्च से भी कुछ स्ट्रक्चर निकलते हैं जो आपके अपर लीफ और आपके हेड एंड नेक को सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम हेड एंड नेक के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम उधर आएंगे। उसके बाद ये नीचे की तरफ ओर्टा आ रहा है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ओर्टा। अब डिसेंडिंग ओर्टा अकॉर्डिंग टू रीजन डिवाइड होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके थोरैसिक रीजन पर है तो इसको कहते हैं थोरैसिक ओर्टा, अगर आपके एब्डोमिनल रीजन पर तो आपको कहते हैं एब्डोमिनल ओर्टा। तो मतलब के यहां पर अब हमने यही वाला ओर्टा की ये वाली लाइन की इधर ले आए, एक तरह के ये कौन सा आपका एब्डोमिनल ओर्टा है, एब्डोमिनल एओर्टा से बाहर निकलती है रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी गई किडनी की तरफ, किधर गई किडनी की तरफ। अब यार जनाब ये जनाब किडनी की तरफ इधर जा रही है, ये किडनी की तरफ है, किडनी की तरफ जाकर रेनल आर्टरी, अब ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, जब एक चीज मुख्तलिफ चीजों में बिखर जाती है उसको कहते हम कहेंगे सेगमेंट, समझ आ रही है। अब जैसे ही रेनल आर्टरी इस तरह के सेगमेंट्स में डिवाइड हुई इसको क्या कहेंगे सेगमेंटल आर्टरी, इसको क्या कहेंगे सेगमेंटल आर्टरी। अब ये जब सेगमेंट्स, सबसे पहले रेनल आर्टरी जो होती है वो डिवाइड होती है सेगमेंटल आर्टरी में, सेगमेंटल आर्टरी जो होगी वो किधर जाएगी, वो आपकी जाएगी ये लोब है ना, ये लोब इस लोब को देगी ब्लड। अब ये क्या होगा लोब, ये क्या बन गई इंटरलोबर आर्टरी, क्या होगी इंटरलोबर आर्टरी, सबसे पहले रेनल आर्टरी फिर सेगमेंटल आर्टरी फिर इंटरलोबर आर्टरी, उसके बाद इंटरलोबर आर्टरी से इस तरह की ब्रांच जाकर और यहाँ पर जो आपकी बेस है इसको जाती है, कहाँ जाती है आपकी बेस को, और जब बेस को जाएगी इसको क्या कहेंगे आर्क्यूट आर्टरी, यानी कि ये क्या होगी आर्क्यूट आर्टरी। अब आर्क्यूट आर्टरी से छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही है आर्क्यूट आर्टरी से, यानी कि जो आपकी बेस है यहाँ पर छोटी छोटी ऐसे ब्रांचेस निकल रही है, ये क्या होती है छोटी छोटी ब्रांचेस, इसको कहते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरी, क्या कहते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरी। उसके बाद जो इंटरलोब्यूलर आर्टरी है ये एक मेन जो आर्टरी और उसमें डिवाइड हो जिसको कहते हैं एफरेंट आर्टरी, क्या होती है एफरेंट आर्टरी, ये जनाब एफरेंट आर्टरी में गई और जनाब एफरेंट आर्टरी यानी कि इस तरह से बन गई, यहां पर जो किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में यानी कि यह मुख्तलिफ लिखा गया है, दोनों किडनी 1.2 मिलियन भी कोई कहता है कि एक किडनी में होता है, दोनों किडनी में 2.4 मिलियन तक होते हैं, ठीक है। तो अब देखें एक किडनी में इतने ज्यादा नेफ्रॉन, तो हर किडनी के नेफ्रॉन को मुख्तलिफ लोब से एफरेंट आर्टरियल ब्लड सप्लाई कर रही है, समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। अब देखें ये यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर क्या होता है आपका ग्लोमेरुलस, यहाँ पर देखा था ग्लोमेरुलस, यहाँ पर भी ग्लोमेरुलस, यहाँ पर भी ग्लोमेरुलस, यहाँ पर भी ग्लोमेरुलस, यहाँ पर भी हर जगह पर ग्लोमेरुलस, कितनी किडनी में मिलियंस ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब देखो ये सारा गया इस तरह एफरेंट आर्टरी इस तरह और इन सब में सप्लाई दे रहा है, ठीक है, इन सब में सप्लाई दे रहा है। उसके बाद ये जनाब आपका एफरेंट आर्टरियोल हो गया जो कि इसमें साहब ने सप्लाई दिया, उसके बाद अभी हम ये वाला स्ट्रक्चर इधर ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल ये इस तरह यहां पर क्या आया था आपका एफरेंट आर्टरियोल है, समझ आई ना, उधर वाला स्ट्रक्चर मैंने इधर ड्रा कर लिया, एफरेंट आर्टरियोल आया, उसके बाद उसने इधर ग्लोमेरुलस की कैपिलरी इसको ब्लड दिया, उसके बाद ये आपका एफरेंट आर्टरियोल जो था वो आपकी वेनस में चला जाएगा, आपकी इधर वाली जो आर्टरियोल को कहते हैं ईफ्रंट आर्टरियोल, क्या होता है आपका ये कौन सा होता है ईफ्रंट आर्टरियोल। अब जैसे ये ईफ्रंट आर्टरियोल में गया उसके बाद ये इस तरह पेरिटुबुलर कैपिलरीज में जाता है, जो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसको क्या कहते हैं पेरिटुबुलर कैपिलरीज। उसके बाद ये लूप यानी कि इस तरह का ये लूप ऑफ हेनले का इस तरह का स्ट्रक्चर है, जैसे ये बिल्कुल आपका लूप ऑफ हेनले से इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता है, यानी कि इस तरह का जब आप किडनी का स्ट्रक्चर देखते हो तो ये आपका क्या होता है ये आपका वेजा रेक्टा है, ये क्या होता है आपका वेजा रेक्टा। अब वेजा रेक्टा आपका हो गया, वेजा रेक्टा के बाद आपका किधर आ जाता है आपका इंटरलोब्यूलर वेन, इसमें आ गया इंटरलोब्यूलर वेन में, यानी कि अब आपने वो सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट करना है, कैसे रिपीट करना है देखें, अब ये सारा हो कहां रहा है, ये सारा हो रहा है इधर कॉर्टेक्स में, लेकिन जब ये इधर वेजा रेक्टा से जो जब ऊपर की तरफ जाती है ये फिर दोबारा जो होती है ये किस में डिवाइड होती है इंटरलोब्यूलर वेन में आ जाती है,
समझ आ गई। दोबारा मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर आपकी एफरेंट आर्टरियोल्स थी, एफरेंट आर्टरियोल ग्लोमेरुलस में गई, उसके बाद उसको ब्लड दिया, उसके बाद जो बाहर निकली उसको इफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। इफरेंट आर्टरियोल जो होती है वो आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में डिवाइड होती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती है वो वेजा रेक्टा में डिवाइड होता है। वेजा रेक्टा के बाद क्या होता है जनाब, आपका ये आपका कौन सी थी, ये छोटी छोटी ब्रांचेस किसको क्या कहते थे, इंटररेगुलर आर्टरी कहते थे। लेकिन अब हमने बिल्कुल इसके साथ साथ ये ब्रांचेस साथ साथ आर्टरी के साथ वेन चल रही होती है, ये इंटररेगुलर वेन आ गई, क्योंकि इंटररेगुलर वेन। और यहाँ पर जो आर्क्यूट आर्टरी, यहाँ पर क्या होगी, आर्क्यूट वेन। और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर कौन सी थी, इंटरलोपर थी, यहाँ पर क्या होगा, इंटरलोपर वेन, इंटरलोपर वेन। और यहाँ पर डायरेक्ट सिगमेंटल वेन नहीं होती, ठीक है, सिगमेंटल वेन नहीं होती। और यहाँ पर ये क्या, रेनल वेन, ये क्या होगा, रेनल वेन। उसके बाद जनाब आपके इंफीरियर वेना कैवा में गई, इंफीरियर वेना कैवा से थ्रू ये राइट एट्रियम में गई, और यहाँ से ब्लड आपका नॉर्मल हो रहा है। समझ आ गई कैसे ब्लड सप्लाई सही होगी, सबसे पहले रेनल आर्टरी, उसके बाद रेनल आर्टरी जो होती है वो आपकी डिवाइड होती है जनाब सिगमेंटल में, सिगमेंटल आर्टरी, सिगमेंटल जो होती है वो आपकी आ जाती है इंटर लोबर में, उसके बाद आ जाती है जनाब आपकी आर्क्यूएट, आर्क्यूएट जो होती है वो आपकी इंटरलब्यूलर, इंटरलब्यूलर जो होती है वो आपकी कहाँ आ जाती है जनाब, एफरेंट, एफरेंट किसमें होती है, इफरेंट। उसके बाद इफरेंट जो होगी वो किसमें जाएगी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर जो होगी वो कहाँ जा रहा है, वेजा रेक्टा, वेजा रेक्टा के बाद फिर वो सारा इंटरलब्यूलर वेन आ जाएगी, उसके आर्क्यूट वेन आ जाएगी, उसके बाद इंटरलोपर वेन आ जाएगी, उसके बस जो आपकी यानी कि रेनल वेन आ जाएगी। ठीक हो गया, ये आपकी ब्लड सप्लाई।